यह बेरुजाम का झरना जो टोडाराय सिंह से 6 किलोमीटर दूरी एक गांव है थड़ोली, वहां पे भैरुजाम का मंदिर है, तो वहां पे ये झरना बह रहा है। और ये झरना जो अपने ईयरली है, मतलब हमें हर टाइम पे ये यहाँ से बहता रहता है। और इस झरने की खास बात यह है कि ये झरना जो बह रहा है हर मौसम में, इसका आज तक कोई रहस्य इसका पता नहीं है। ये झरना देख सकते हो आप, अभी मैं नीचे जो इसका लेवल है उससे 300 मीटर ऊपर हूँ, फिर भी ये झरना बहुत ऊंचाई से बह रहा है, पर पता ही नहीं है ये मतलब आ कहाँ से रहा है। वहाँ पे ऊपर ना तो बारिश हो रही है, तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही है, फिर भी ये झरना कंटिन्यूसली बह रहा है। यहाँ पे कई बार इसको लेके रिसर्च भी हुई है, लेकिन इसका रहस्य अभी तक पता नहीं चला है। 300 मीटर चलने पे मैं तो थक गया, तो बीच में से ये वीडियो बना रहा हूँ। और इधर से देखने पे देखो, यहाँ से सामने वो दिख रहा है पानी, वो बिसलपुर बांध का है, यहाँ से आसानी से दिख जाता है, वो पीछे वाला कैचमेंट एरिया है। और ये जो मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, ये तकरीबन 200-300 मीटर के आसपास नीचे के लेवल से हैं। और आप इस झरने को देख सकते हो, इसका पानी इतना मीठा है आप मतलब अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत मीठा पानी है और बहुत ही अच्छा यहाँ से सौंदर्य आप इसका देख सकते हो, बहुत बढ़िया। ये एक ही झरना नहीं है, यहाँ पे मैं आज आया था ना, तो तकरीबन 3 से 4 झरने देखे हैं मैंने इसे। और इस झरने की खास बात है कि ये ऊपर से अब ये पानी आ रहा है ना, ये तो इसका पता नहीं ये ऊपर में कहाँ से आ रहा है, ये है। तो आप सभी भी अगर आएँ तो इस पर्यटन स्थल को ज़रूर देखें।